अम्मा महाराज की जन्म जयंती पर जनसेवा रूप में मुदगल परिवार के आयोजित विशाल भंडारे में उमड़े हजारों श्रद्धालु। खबर पोहरी विधानसभा क्षेत्र के बैराड से है। त्याग तपस्या की प्रतिमूर्ति के राजमाता विजया राजे सिंधिया की स्मृति को जनसेवा के रूप में मना रहे हैं। भाजपा जिला उपाध्यक्ष दिलीप मुदगल परिवार के द्वारा पोहरी विधानसभा के बैराड ठाकुर बाबा मंदिर पर 8वां विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। इस भंडारे में आसपास की करीब 90 ग्रामीण क्षेत्रों से 1,00,000 से ज़्यादा लोगों ने भागीदारी करते हुए प्रसादी ग्रहण की। मुदगल परिवार के इस विशाल भंडारे की शुरुआत सर्वप्रथम कै राजमाता विजया राजे सिंधिया के चित्र पर दीप प्रज्वलन एवं माल्यार्पण के साथ हुई। तत्पश्चात आमजन के लिए भंडारा प्रसादी शुरू की गई, जिसमें लोगों के लिए आयोजन भी किया गया, जिसका धर्म लाभ भी उपस्थित धर्म प्रेमी जनों ने प्राप्त किया। 8वां विशाल भंडारा बैराड ठाकुर बाबा मंदिर पर किया गया, जिसमें हजारों की संख्या में लोगों ने प्रसादी ग्रहण की। ये प्रातः 10 बजे से प्रारंभ हुए विशाल भंडारा प्रसादी ग्रहण करने आए ग्रामीण जनों ने भंडारा प्रसादी पाने और उसके पूर्व तक यहां आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आनंद भी लिया गया। इस दौरान पोहरी क्षेत्र के भाजपा कार्यकर्ताओं के द्वारा यहां कै अम्मा महाराज की स्मृति में आयोजित इस भव्य आयोजन को लेकर भाजपा जिला उपाध्यक्ष दिलीप मुदगल का अपनी मुस्कान के जरिए आभार माना कि वह मध्य प्रदेश शासन की कैबिनेट मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया की प्रेरणा से जनसेवा के यहाँ पुण्यशाली कार्य कर क्षेत्र की जनता के लिए सेवा भाव से समर्पित होकर कार्य में जुटे हुए हैं। कार्यक्रम में दूरदराज के ग्रामीणों के साथ साथ पोहरी विधानसभा क्षेत्र से भाजपा कार्यकर्ता, जिला मुख्यालय से भी भाजपा नेताओं ने इस आयोजन में सहभागिता की। बैराड़ से संवाददाता धर्मेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। आज मुगल जी द्वारा भंडारा किया गया और आप आज कैसा लग रहा है आपको? जय श्री राम। कहा गया है श्री राम चरितमानस में, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि परहित बस जिनके मन माही और तिनको जग दुर्लभ कछु नाही। जिनके हृदय में हमेशा पराया हित बसा हो, वास्तव में ही फिर आनंद की क्या पूछना है। और यहाँ पर आकर के जनता जनार्दन देख करके और यहाँ का जो स्नेह मुदगल जी के प्रति जनता का स्नेह देख करके तो बड़ा हृदय गदगद हो गया, बड़ा आनंद आ गया। वास्तव में ही ठाकुर बाबा के सानिध्य में रह करके उन्होंने जो भंडारा विशाल रखा, उनके लिए बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत आशीर्वाद और बहुत अच्छा लगा हमको आकर के यहाँ। आओ भाई साहब, आज जो भंडारा बनाया, कितने भंडारे हो चुके अभी तक? अभी तक मेरे द्वारा पौरी विधानसभा में ये 8वां भव्य विशाल भंडारा अम्मा महाराज विजय राजे सिंधिया जी की जन्म जयंती के क्रम से लेकर आज तक ये 8वां विशाल भंडारा ठाकुर बाबा बैराड़ में किया जा रहा है। कितने लोगों ने अभी तक यहाँ पर प्रसाद ग्रहण किया? अभी तक यहाँ 20 से 25 हज़ार लोग आ चुके हैं और ये भंडारा रात 9-10 बजे तक चलेगा। इसमें 60 से 70 हज़ार लोगों के आने की संभावना है और पौरी विधानसभा के सभी क्षेत्रों से इसमें सभी को आमंत्रित किया गया है और बैराड पूरा नगर है। इसके पीछे क्या उद्देश्य है? जनता की सेवा करना, जनता जनार्दन से मिलना और उनकी भावनाओं को समझना। और इसी तरह से मेरे द्वारा पौरी विधानसभा क्षेत्र में भंडारों के अलावा भी सभी सामूहिक 24 विवाह सम्मेलनों में भी मैंने सभी बहनों के पाएँ पकारने का अवसर भी मुझे मिला। और मैंने अभी रक्षाबंधन के पावन पर्व पर अभी मेरे द्वारा पौरी विधानसभा में सभी समाज की सभी बहनों से रक्षा सूत्र बनाने का मुझे अवसर मिला। अभी तक मेरे द्वारा 25-26 गांवों में रक्षाबंधन के पावन पर जा चुका हूँ। आगे भी कल के बाद मैं पुनः पौरी विधानसभा के सभी ग्रामों में सभी बहनों से रक्षाबंधन के अवसर पर सभी बहनों का आशीर्वाद लेने जाऊंगा। तो इसके लिए कोई राजनीतिक कारण नहीं है, जैसे आपकी पॉपुलरिटी बढ़ती जा रही है पूरी विधानसभा क्षेत्र पौरी में और लोगों का आपके प्रति समर्थन जो हासिल हो रहा है, तो इस बार क्या लगता है कि आप चुनाव लड़ेंगे? देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी का सिपाही हूँ और भारतीय जनता पार्टी में संगठन ही सर्वोपरि होता है और हर जनप्रतिनिधि की जो इच्छा, हर व्यक्ति की, हर कार्यकर्ता की जो इच्छा होती है कि वो जनप्रतिनिधि बने। यदि पार्टी मुझे मौका देती है तो मैं सभी लोगों का, सभी समाजों का सहयोग लेके पूरी ताकत से मैं चुनाव लड़ूंगा। तो आपका नाम पार्टी तक पहुंचा है कि नहीं पहुंचा? अभी तो उसमें है क्या संभावित सूची में? ये तो मीडिया वाले या आप सभी लोग ही बता सकते हैं।